हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस पावर पॉइंट ट्यूटोरियल में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे होम मेन्यू के बारे में। जो पावर पॉइंट का मेन्यू है, होम मेन्यू, उसमें क्या क्या चीज आता है और हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं। हम एज ए फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस की तरफ से वीडियो बना रहे हैं कि पावर पॉइंट की टोटल आपको एक एक टैब, एक एक मेन्यू के बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आपको एक अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन बनाना है और अपने बॉस को इम्प्रेस करना है। तो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलो शुरू करते हैं। होम का मेन्यू आप देख सकते हो, फाइल के बगल में आपका होम का मेन्यू है। होम के मेन्यू में आपके ये जो है नीचे, ये है सब मेन्यू। सब मेन्यू में आप देख सकते हो, सबसे पहले जो हमारा आ रहा है पेस्ट करने का आ रहा है और कॉपी का भी आ रहा है। आप ये जैसे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ देखोगे कि कुछ चीजें हाईलाइट हो गई हैं, जैसे कि कट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो और फॉर्मेट पेंटर कर सकते हो। कट आप कंट्रोल एक्स से भी कर सकते हो, कॉपी कंट्रोल सी से भी कर सकते हो और पेस्ट कंट्रोल वी से भी कर सकते हो। तो आप जैसे कॉपी करोगे तो आप देखोगे कि पेस्ट का भी बटन है वो हाईलाइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने कॉपी कर लिया है, आप उसे पेस्ट करना चाहते हो। तो यहाँ पेस्ट पे जाओगे, यहाँ आपको कुछ ऑप्शन मिलेगा कि आप पेस्ट कैसे करना चाहते हो। जैसे आप सिर्फ टेक्स्ट सेलेक्ट करना चाहते हो, कोई उसका फॉर्मेट है तो उसको सिलेक्ट नहीं करना चाहते हो, तो इसके लिए पहला। फिर दूसरा में आप ऐसे टाइप करना चाहते हो कि पावर पॉइंट के नीचे आए, ऐसे आए जो बेसिक हो इमेज के साथ, ये फिर हमारा एक अल्फाबेटिक हो, बट इसमें कलर नहीं है तो आपको कलर फीड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट करके पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। पेस्ट स्पेशल भी है, आप वहाँ से भी जाके स्पेशल की तरह आप पेस्ट कर सकते हो। हम इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे कि स्पेशल पेस्ट क्या होता है, इसमें हम किस तरीके से पेस्ट कर सकते हैं और कैसे कैसे डाटा को हम पेस्ट कर सकते हैं। ये तो हमारा था क्लिपबोर्ड। अब हम आ गए स्लाइड्स में। स्लाइड्स में क्या होता है, अगर आपको कोई नया स्लाइड बनाना है तो आप न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे। आप कैसा चाहते हो, टाइटल स्लाइड विथ इमेज, डिवाइडर स्लाइड, ये आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको डाटा है, डाटा के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। हमने ब्लैंक लेते हैं, हम ब्लैंक लेंगे तो आप देखोगे कि एक नया स्लाइड बन गया उसके नीचे और ब्लैंक है टोटल वो, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पे जा सकते हैं, डुप्लीकेट स्लाइडेड स्लाइड भी कर सकते हैं, स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन भी कर सकते हैं, रीयूज स्लाइड। अगर आपने मान लो किसी और पावर पॉइंट का स्लाइड आप यूज करना चाहते हो तो आप यहाँ रीयूज पे जाओगे और वो यहाँ आएगा एक ब्राउज का फीचर। तो आप ब्राउज पे क्लिक करोगे तो आपने जैसे कि यहाँ हमने अपना पावर पॉइंट बना रखा है, आप यहाँ से भी स्लाइड सेलेक्ट कर सकते हो, ये वाला स्लाइड, ये वाला स्लाइड, और आप अपने पहले ये वाला स्लाइड चाहते हो तो यहाँ आ सकता है। फिर जो सिलेक्ट करोगे वो स्लाइड इसमें ऐड होता जाएगा। और यहाँ है स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन। तो एज ए स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन से मतलब क्या है, अगर मान लो आपने कुछ लिख रखा है अपने टेक्स्ट में, टेक्स्ट इन द सेंस अगर आपने वर्ड में लिख रखा है या टेक्स्ट में लिख रखा है, तो उसको चाहते हो एज ए स्लाइड की तरह वो आ जाए, तो आपको यहाँ क्या करना है, एज ए स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन पे सेलेक्ट करना है। वो आपसे ब्राउज पूछेगा तो आपसे डाटा कहाँ रख रखा है, आप वहाँ से डाटा लेंगे, वर्ड में ले रखा है तो वर्ड में डाटा लेंगे वो, तो वो जैसे स्पेस लेगा तो एक स्लाइड को छोड़ देगा फिर दूसरे स्लाइड को ले लेगा, इस तरीके से वो आपका डाटा ले लेगा। हमने अभी कोई वर्ड नहीं बना रखा है, कोशिश करेंगे कि आगे हम आपको इस चीज के बारे में अच्छे तरीके से समझाएं। उसके बाद यहाँ आता है लेआउट। लेआउट आप सिलेक्ट कर सकते हो, क्या लेआउट चाहिए, कैसा लेआउट चाहिए, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। रीसेट कर सकते हो स्लाइड को, ऐड सेक्शन कर सकते हो, रीनेम सेक्शन कर सकते हो, रिमूव सेक्शन कर सकते हो या फिर रिमूव ऑल सेक्शन कर सकते हो, आप जो चाहोगे वो कर सकते हो यहाँ से। जैसे मैंने ऐड सेक्शन किया तो आप देखोगे यहाँ दो सेक्शन बन गया, एक डिफॉल्ट सेक्शन और एक अनटाइटल्ड सेक्शन। तो आप यहाँ नाम भी देख सकते हो और उसको रीनेम भी कर सकते हो, तो ये सेक्शन की तरह होगा, एक पार्ट की तरह डिवाइड हो जाएगा वो। अब देखो दो हो गया, अब मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ आएगा रिमूव सेक्शन, रिमूव ऑल सेक्शन, तो जैसे ही मैं करूँगा वो रिमूव हो जाएगा, यहाँ के जो सेक्शन बने थे वो रिमूव हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मैं इसे सिलेक्ट करके यहाँ से, अब हम आ गए फॉन्ट टैब में, फॉन्ट टैब में आ गए। अब हमें यहाँ क्या मिलेगा, फॉन्ट से रिलेटेड
ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि यहाँ से आप आके फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो, कोई सा भी फॉन्ट का साइज बढ़ाना है घटाना है तो आप यहाँ से आके घटा सकते हो। जैसे ये देखोगे फॉन्ट का साइज हमने घटा दिया, अब बढ़ा देंगे तो यहाँ तक बढ़ जाएगा। यहाँ आप मैनुअल भी टाइप कर सकते हो, जैसे कि मैंने 20 डाला तो 20 वाला ले लिया, या फिर 90 डालूंगा तो ये 90 का फॉन्ट ले लेगा। ठीक है, इस तरीके से हम भी कर सकते हैं। उसके बाद आप बोल्ड चाहते हो तो बोल्ड सेलेक्ट करोगे तो बी पे तो बोल्ड हो जाएगा, इसका थोड़ा बहुत आई डिजाइन है वो चेंज हो जाएगा। बॉर्डर चाहते हो इसके नीचे लाइन चाहते हो तो लाइन आ जाएगा, या फिर इस तरीके से आप डाटा चाहते हो तो इस तरीके से आ जाएगा। कटस चाहते हो तो इसके सामने देखोगे एक लाइन आ जाएगी। करेक्टर इनके बीच में गैप चाहते हो तो आप यहाँ सेलेक्ट करोगे नॉर्मल लूज किस तरीके से चाहते हो, मोर स्पेसिंग जितना स्पेसिंग चाहते हो, या टाइट चाहता चाहते हो तो उस तरीके से आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। फिर ए में यहाँ आएगा सेंटेंस होगा वो किस तरीके का हो, लोअर केस हो टोटल, अपर केस हो, या पहला कैपिटलाइज हो और कैसे हो। तो जैसे हम पहला ही कैपिटलाइज देखेंगे, आप ये फॉन्ट इस तरीके का है कि आपका पूरा कैपिटल में रहेगा। जैसे कि मैं मान लो एरियल सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, एरियल सेलेक्ट किया, अब देखोगे यहाँ मेरा आ गया जिस तरीके से हमने यहाँ सेलेक्ट किया था। मैं चाहता हूँ पूरा कैपिटल हो जाए तो अपर केस हो जाए तो ये देखोगे अपर केस हो गया, ठीक है, ये लोअर केस हो जाए तो लोअर केस हो जाएगा। तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको डाटा कैसे चाहिए। ठीक है, यहाँ आप बैकग्राउंड कलर लगा सकते हैं, क्या कलर लगाना चाहते हो बैकग्राउंड, तो यहाँ आप बैकग्राउंड कलर लगा सकते हो। फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से आके फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हो, देख सकते हो कि बैकग्राउंड में कलर चेंज हो रहा है फॉन्ट का। ठीक है, फॉन्ट इरेज करना चाहते हो तो यहाँ से फॉन्ट इरेज कर सकते हो। यहाँ पे आओगे तो फॉन्ट का साइज देखोगे छोटा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा यहाँ से। अब हम बढ़ते हैं पैराग्राफ की तरफ। पैराग्राफ में हमें क्या करना है, मान लो अलाइनमेंट करना है कि बीच में मेरा डाटा रहे, साइड में रहे या कहाँ रहे, ये हम इससे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके आगे बीच में हम कुछ यूज़ करना चाहते हैं तो हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, 1, 2, 3 ए बी सी जो भी हम चाहते हैं वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। देखोगे यहाँ से हम थोड़ा कस्टमाइज कर सकते हैं, हम डाटा को अपने और डिज़ाइन ला सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, पैराग्राफ में यहाँ आएगा टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन में आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल लगना चाहते, रोटेट करना चाहते हो ओल्ड टेक्स्ट 90% पे, 270 या स्टैक या मोर ऑप्शन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो कि आप टेक्स्ट का डायरेक्शन क्या रखना चाहते हो। अब है हमारा अलाइन टेस्ट। अलाइन टेस्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि अलाइन करना चाहते हैं कि डाटा को हम टॉप पे रखना चाहते हैं, मिडल में रखना चाहते हैं या बॉटम पे रखना चाहते हैं, तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट पे जाएंगे तो हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं हमें कौन सा सिलेक्शन चूज करना है, हम उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके चूज कर सकते हैं। देखो जैसे जैसे हम सेलेक्ट करेंगे देखो वो वैसा वैसा डिज़ाइन लेता रहेगा। मैंने यहाँ एरो में सेलेक्ट किया तो देखो एरो की टाइप का हमारा यहाँ डिज़ाइन आ गया। यहाँ से आप कस्टम भी कर सकते हो, क्या कलर कैसा डिज़ाइन लेना चाहते हो उस तरीके से, और यहाँ से और तरीके से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। यह है स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन, जैसे आप डाटा अपना शो करना चाहते हो वैसे आप डाटा अपना शो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर आप कोई डायरेक्शन लेना चाहते हो या किसी तरीके से कुछ यूज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ पे आके यूज़ कर सकते हो। जैसे कोई शेप हो गया आपका, रेक्टेंगुलर शेप यूज़ करना चाहते हो आप यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप यूज़ कर सकते हो। फिर उसके ऊपर डाटा लिखना चाहते हो, यहाँ डाटा जाओगे, यहाँ डबल क्लिक करोगे तो यहाँ वो आपसे डाटा लिखने का बोलेगा। सेलेक्ट करोगे तो यहाँ होम में जाके इसका फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हो, वाइट कर सकते हो तो आपको फॉन्ट दिखने लगेगा। जैसे आप चाहोगे वैसे कर सकते हो, या फिर एरो लेना चाहते हो तो एरो यहाँ से आप ले सकते हो। यहाँ आप जाओगे यहाँ सेलेक्ट करोगे तो ये एरो आ जाएगा। शेप चेंज करना चाहते हो एरो का कलर तो यहाँ से एरो का बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। फिलअप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप फिलअप चेंज कर सकते हो शेप का। आप यहाँ से अरेंज कर सकते हो जो आपने शेप लिया उस तरीके को कैसे करना, ब्रिंग टू फ्रंट लाना है, सेंड टू बैक लाना है कैसे। देखो मैं जैसे इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ मैंने एक गोला बना दिया, ठीक है, गोले का मैं कलर चेंज करता हूँ, जो हमने फिलअप ले रखा है वो ये कर दिया। ठीक है, अब मैं जैसे ही इंसर्ट होम पे जाऊँगा कि ये जो मेरा टेक्स्ट है वो फ्रंट में आ जाए, फ्रंट में आने के लिए मुझे लाना होगा ये। तो आप देखोगे जो मेरा टेक्स्ट है वो फ्रंट में आ गया है। इस तरीके से हम क्विक स्टाइल भी यूज़ कर सकते हैं, कौन सा स्टाइल हमें लेना है यहाँ से हम
क्विक स्टाइल्स के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, आपको बहुत सारे स्टाइल मिल जाएंगे। आप यहाँ से शेप फिल कर सकते हो, कौन सा शेप है आप फिल कर सकते हो, अनसाइड द शेप का आप चेंज कर सकते हो, आउटलाइन जो इसका बॉर्डर होता है वो आप चेंज कर सकते हो, या नो आउटलाइन क्लिक करोगे तो आउटलाइन नहीं होगा। शेप इफेक्ट आ रहा है क्लिक करोगे तो रीसेट करने का, शेडो करने का, रिफ्लेक्शन जो आपने सेव किया है उसको और इफेक्ट डालना चाहते हो तो यहाँ से इफेक्ट डाल सकते हो। यहाँ से आप फाइंड मिलेगा, फाइंड में अगर कोई सर्च करना चाहते हो तो यहाँ से फाइंड कर सकते हो, रिप्लेस करना चाहते हो तो यहाँ से रिप्लेस कर सकते हो उस वर्ड के साथ, और सिलेक्ट करना चाहते हो सिलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट या सिलेक्शन पैनल करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो। अब यहाँ डिज़ाइन में जाओगे, डिज़ाइन आइडिया मिलेगा, डिज़ाइन से रिलेटेड कोई आइडिया होगा देखो, बट यहाँ डिज़ाइन से आइडिया रिलेटेड आता है कि आपको जैसे इंसर्ट करोगे तो वो आपको डिज़ाइन का कुछ आइडिया देगा। ये था हमारा होम मेन्यू। आई होप कि आपको होम मेन्यू पूरी तरह क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं जिससे कि आपको पूरा होम क्लियर हो जाएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपके कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं। धन्यवाद।